हेलो बच्चों बच्चों, आपने हमारा पेंट का ट्यूटोरियल देखा, बहुत पसंद किया आपने, बहुत लाइक किए, कमेंट्स किए, आपको अच्छा लगा। हमने और भी आपको करेक्टर्स अलग अलग पेंट में बनाने बताए थे, बहुत सी ड्राइंग्स बताई थी, और फिर से हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम और भी अच्छी अच्छी ड्राइंग लेकर आए आपके सामने। फिलहाल आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एक हाउस बनाना। बच्चों को बहुत पसंद है घर बनाना, पेड़ बनाना, ना तो आज हम आपको हाउस किस प्रकार क्रिएट करें आसान और बेटर तरीके से सुंदर लगे। तो इस वीडियो अंत तक जरूर देखिए फ्रेंड्स, पसंद आता है हमारे वीडियोस पे कमेंट कीजिए, उसे लाइक कीजिए, और यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने पेज का साइज थोड़ा सा उस हिसाब से कर लेंगे जितनी हमको ड्राइंग चाहिए। ओके, हमने लगभग ड्राइंग के हिसाब से अपना पेज बना लेते हैं, थोड़ा सा कम कर लें या ज़्यादा बड़ा बनाना चाहे तो ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही बनाऊंगा ताकि आपको भी साफ साफ नजर आता रहे। ओके, हमने सबसे पहले क्या बनाना, एक हाउस बनाना। हाउस बनाने के लिए आप देखें मैं क्या क्या टूल यूज़ करता हूँ। हम कर्व लाइन ले लेंगे, अच्छा सुंदर बनेगा। वैसे हम सिंपल लाइन से भी बना सकते हैं, एरो से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा कर्व लाइन से। लाइन का साइज हम लाइन का साइज ले लें, बारीक ले लेते हैं ताकि कलरिंग करें तो वो थोड़ा सा अच्छा लगे। हमने कर्व लाइन यहाँ पे क्रिएट कर ली। देखो सीधी नहीं बन रही ना लाइन, मैंने आपको पहले वीडियो में बनाया लाइन सीधी बनानी हो तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट यूज कर लेंगे और फिर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एकदम सीधी लाइन बनेगी। ओके, इस कर्व लाइन को यूं पकड़ के यहां से ऊपर उठा लेते हैं। ठीक है, अब दोबारा हमने यहां पे स्क्रीन पे क्लिक नहीं करना है, क्लिक करेंगे तो क्या होगा पता है, करके दिखाऊं। ये देखो हमने दूसरे क्लिक किया तो कर्व लाइन क्या होती है, हमारी दो बार मूव करती है, तो हम क्या करेंगे फिर से कर्व लाइन बनाएंगे। बन गई, अब क्लिक नहीं करेंगे कहीं भी, सीधा हम सिलेक्शन पे चले जाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसकी कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी। अब हम इसको यहाँ पे टिकाने की कोशिश करते हैं तो ये देखो दूसरी वाली इमेज को छुपाती है ना, आपने पहले वीडियो में देखा होगा हम किस तरह करें क्या करें। फिर इसके साथ हम इसको सिलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पे फिर से सिलेक्शन पे नीचे एरो पे क्लिक करेंगे और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन यूज कर लेंगे। अब ये हमारा सिलेक्शन जो होगा ट्रांसपेरेंट होगा और हम इसको यहाँ पे डबल बॉर्डर इसका क्रिएट कर देंगे। हो गया डबल बॉर्डर, फालतू जो स्पेस हमारा बन गया उसको हम इरेज कर लेंगे यहां से थोड़ा थोड़ा। फिर से हम एक कर्व लाइन उठाते हैं और इस बार हम ये कर्व लाइन बनाएंगे इस साइड में, और हट एकदम सीधी नहीं होती, थोड़ा सा दब भी जाती है, पुरानी झोपड़ियां हो जाती है, पुराने घर दबे हुए होते हैं ना। फिर से हम एक कर्व लाइन ले लेंगे और इसके पीछे का हिस्सा भी हम क्रिएट कर देंगे, यहाँ से थोड़ा सा इसको यूं उठा लेंगे, थोड़ी सी टेढ़ी कम बनी है, हम फिर से बनाते हैं इसको थोड़ा और तिरछा करते हैं, इतना इतना करते हैं इस हट के हिसाब से। ओके, अब हम सीधी लाइन यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन हम सीधे यहाँ पे मिला देंगे। अगर सही नहीं मिल रही है तो फिर से हम इस स्ट्रेट लाइन को पकड़ेंगे थोड़ा सा और खींच देंगे, इसकी एक कॉपी कर लें या फिर हम फिर से दोबारा से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। पीछे की साइड में टच कर देते हैं, आगे की साइड में इसको या इस पर निकाल देंगे। अब हम एक रेक्टेंगल उठाएंगे यहाँ से और रेक्टेंगल को हम यहाँ से टच करके और नीचे तक खींच देंगे, बन गया। फिर से एक सीधी लाइन ले लेते हैं और इस लाइन को हम दोबारा से फिर से यहां से टच करके और यहां तक फिर लेके आएंगे। इस कॉर्नर को भी हम सही कर लेते हैं, एक बार इरेजर ले लेंगे, थोड़ा सा साइज बढ़ा के यहां से मिटा दिया, और एक सीधी लाइन हम यहां भी चाहिए ना, तो ये भी तो हमको दिखाई देगा ना कॉर्नर यहां से, तो ये भी हम इसको अंदर तक मिला देते हैं। ठीक है, ताकि कलर भी जब हम डालें तो कलर भी हमारा उन लाइनों से बाहर ना आए। इस लाइन की जरूरत अगर समझे तो रख सकते हैं, ना समझे तो हम इस लाइन को भी यहां से
उठा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी भी, क्योंकि ये फ्रंट हमारा कंप्लीट पूरा एक जैसा नजर आना चाहिए। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे फिर से एक रेक्टेंगल और यहाँ पे बना देंगे इसका डोर, और डोर की वॉल भी दिखाई देनी चाहिए अगर डोर खुला हुआ है तो वॉल दिखाने के लिए हम फिर से एक लाइन यूज करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन वॉल के लिए हम बना देंगे। तो ये हमारी वॉल नजर आ गई। ठीक है, हमारा क्या चाहिए, हमने हाउस के अंदर खिड़कियां भी होती है, हम खिड़कियां बनाना चाहें तो खिड़कियां फ्रेंड्स यहाँ पे रेक्टेंगल से नहीं बनेंगी क्योंकि खिड़कियां भी हमारी तिरछी नजर आएंगी, तो हम क्या करेंगे खिड़कियों के लिए हम सीधी लाइन ही यूज करेंगे। ठीक है, लाइन यूज कर लेते हैं हम खिड़की के लिए। खिड़की का जितना साइज रखना चाहे आप रख सकते हैं, मैंने काफी बड़ा साइज बना लिया खिड़की का। ये देखो मेरी लाइन थोड़ी सी छोटी रहेगी, यहां से जूम कर लेते अगर समझ में नहीं आए, ज्यादा बारीक काम लगे तो हम उसको जूम भी कर सकते हैं फ्रेंड, जूम करके ना आराम से हम इस लाइन को और बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा बढ़ गई, और इसको यहां से भी टच कर लेते हैं। और भी जरूरी नहीं तो हम यहां से सारा काम जूम के जरिए ही कर सकते हैं। और फालतू की लाइन को हम यहां से इरेज कर देंगे। खिड़कियों की जो ये बाउंड्री है इसको हम डबल लाइन में भी बना सकते हैं अगर और भी बेटर दिखाना चाहें, ठीक है, तो और बेटर नजर आएगा। हाउस बन गया, अब हमको इसका गलियारा बनाना है, रास्ता, तो रास्ते के लिए भी हम सीधी एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे, इसको हमने कर्व करना है, तो रास्ते के लिए हम ज्यादा उठा दिया, इसको थोड़ा सा कम ही करेंगे, इतना होता है, थोड़ा सा नीचे झुका देते हैं ताकि यहाँ से रास्ता यूं घूम के चला जाए। एक और बना लेते हैं यहाँ से दूसरी बाउंड्री, इसको भी हमने जितना रखना है वहां पे रख दिया और दूसरी साइड से ही उठा दिया। देखो कर्व लाइन हमारी बहुत यूज आती है ना, रास्ता बन गया, पेड़ बनाना है वो भी मैं कर्व लाइन से बनाऊंगा। मैं यहाँ पे एक पेड़ की सबसे पहले उसका तना बना लेता हूँ, एक कर्व लाइन फिर से यूज करेंगे, सॉरी ये कर्व लाइन हमारी गड़बड़ा गई, एक कर्व लाइन और लेंगे अभी हम यहाँ पे, और भी कर्व लाइन अगर दोबारा से लेना चाहे तो आप यहाँ पे क्या करें, एक कर्व लाइन सीधी बना दो और इसको नीचे खींच दे, तो ये देखो इसकी दो टहनियां बन गई है ना। अब हमको यूं ब्रश की जरूरत नहीं है, ब्रश भी ले सकते हैं, और भी अगर आसान बनाना चाहे इसको तो हम यहां से एयर ब्रश उठा सकते हैं। यहां से उठाएंगे एयर ब्रश, कलर लेंगे अपना ग्रीन, और यहां से हम एयर ब्रश का काम शुरू कर देंगे। साइज थोड़ा सा एयर ब्रश का बढ़ा लेते हैं, हम फुल साइज कर लेते हैं, तो हमारा एक बार हम इसकी बाउंड्री क्रिएट कर ले कि हमारा पेड़ कितना आएगा, हो गई बाउंड्री, अब इसमें आराम से फिल कर सकते हैं हम कलर को पूरी तरह से, फिल विद कलर से। एक बार मैं इसको कंप्लीट, ओहो बार भाग रहा है, कहाँ से छूट रहा है, ये यहाँ से छूट रहा है, तो थोड़ा सा हमको एयर ब्रश का यूज और करना पड़ेगा ताकि ये कलर यहाँ से बाहर ना भागे, जहाँ जहाँ से बाहर भागने की गुंजाइश है हम वो सारी गुंजाइश यहाँ से बंद कर देंगे और फिर कलर फिल करेंगे इसके अंदर, तो फिल हो जाएगा और हम आसानी से इसमें डेकोरेशन अपने ट्री की कर पाएंगे। मैं इसको पूरी तरह से डेकोरेट कर लेता हूं, अच्छा लग रहा है। टहनियां नीचे भी लटकाना चाहें तो नीचे भी लटका सकते हैं टहनियां उसकी, थोड़ा सा नीचे ब्रश ले आएंगे। अब इसका तना रह गया, तने में हमने कलर डालना है तो तने में कलर डाल देते हैं हम येलो, ये भी बाहर निकल रहा है, ये कहाँ से बाहर गया, ये या नीचे से बाहर गया, तो क्या करें हम यहाँ पे थोड़ा सा हम एक लाइन सी बना देंगे ताकि कलर बाहर ना जाए, तना हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जमीन भी चाहिए और थोड़ा सा आसमान का भी चाहिए, तो क्या करते हैं हम, अब इस बार कर्व लाइन लेंगे तो दोस्तों इसके ऊपर से आएगी और वो फिर इरेज करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे सिंपली ब्रश ले लेते हैं और ब्रश से हम क्या करेंगे, यूं इसको यूं बना देंगे गुलाई, ठीक है,
और ये टीला सा हमारा बन जाएगा, ये बन गया। अब आराम से इसमें कलर फिल कर दें, फिल विद कलर से, कि हमको आसमान का कलर चाहिए। ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, इसको अंदर करते हैं पहले। ये पक्का यहाँ से आया है, और कहीं जगह है ही नहीं। आप देखते हैं कलर फिल करके हम रुक गया। नीचे का कलर जमीन का डाल सकते हैं, जो जो कलर हमने जमीन में डालना है। रास्ते का कलर कैसा करना है वो हम रास्ते का कलर ले लें। और यहाँ पे हट में हमने कैसा कलर करना है, सुंदर हट, सुंदर सी हट तैयार करनी है। हम रेड कलर की हट यहाँ पे बना लेते हैं। हट के अंदर लाइटें पड़ रही है, लाइट अंदर जल गई, ज्यादा लाइट, तो हम ये वाली लाइट ले लेते हैं अंदर ग्लासेस में। और ये इसकी हो गई वॉल का कलर। रूफ में हमने क्या कलर डालना है, रूफ का कलर भी हम ले सकते हैं। किस तरह का कलर ले हम रूफ के अंदर ये कलर ले लेते हैं। ओके, चल गया, हमारी झोपड़ी भी बन गई, हमारा घर बन गया। अब हमने बनाना है यहाँ पे सन। सन बनाने के लिए हम तो सबसे पहले तो लेंगे एक सर्कल, सर्कल में कलर डाल लें। और पेड़ पौधे बनाना चाहें फिर से एयर ब्रश यूज करेंगे, कलर जो यूज कर सकते हैं हम कलर यूज कर लेंगे। यहाँ पे हमने पेड़ किस तरह का चाहिए वो पेड़ हम यहाँ पे ही बना देंगे। पेड़ बन रहा है ना, ये लो ऊपर का पेड़ हो गया। अब हमने इसका तना बनाना है। तने के लिए हम फिर से ब्रश यूज करेंगे, क्योंकि दूर का पेड़ है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, जैसा हम बनना हो वैसा बना देंगे। ये लो इसका तना हम यहाँ से भी बना देते, क्योंकि दूर पेड़ है, नजर तो कैसा आएगा, ये ऐसा ही नजर आता है। और अलग अलग तरह के पेड़ बनाने हैं। कोई हमने यहाँ पे कैरेक्टर तैयार करना है, करेक्टर बना लें। इसके अलावा और भी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स है, जिसमें अगर हम यहाँ पे वाटर झील बनाना चाहें या फिर हम यहाँ पे हिल्स बनाना चाहें, तो वो सब मैं बताऊंगा दोस्तों। ये सबसे पहले हमारी शुरुआत थी कि हम एक छोटा सा हाउस कैसे बनाएंगे, वो हमने बना लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे एक अच्छा ब्यूटीफुल, हम एक अमेजिंग सीन कैसे तैयार करेंगे। ओके, तो देखते रहिए दोस्तों। उम्मीद है फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट्स में बताइए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए। और यदि पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।